हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक यूनिट 17, जिसका नाम है सर्विस सेक्टर, मतलब आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो कैसे हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, हम हर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आईसीटी का अगर फुल फॉर्म बताएं तो उसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, आप जिस किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ कंट्री, वो किसका देन होता है, सर्विस सेक्टर्स का। इसे हम बोलते हैं आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। अब देखो इससे क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो या फिर जो भी आपका डाटा है प्रोवाइडर, जैसे जियो हो गया, आपका आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, आपके पास कोई वाईफाई रूटर है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, एंड आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी चीज़ आप थ्रू कंप्यूटर करते हो, तो वो आपका आईटी कंपनी में आता है, मतलब आईटी सर्विस सेक्टर होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो आप समझ सकते हो कि जब वो पूरा देश डिजिटल बन चुका है तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका आईसीटी का। तो इसको और डीपली पढ़ते हैं। आईसीटी रेफर्स टू टेक्नोलॉजी यूज फॉर रेगुलर एवरीडे टास्क, हमें प्रतिदिन जो टास्क करते हैं उसको करने के लिए, जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं आईसीटी। अब पर डे टास्क में क्या क्या आता है, जैसे आपको ईमेल सेंड करनी है तो वो क्या हो गया, आईसीटी हो गया। कोई आपको वीडियो कॉल करनी किसी से तो वो क्या है, आईसीटी। आपको कॉल करनी सिंपल तो क्या है, आईसीटी करनी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वो क्या है, आपका आईटी ही टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इंटरनेट पे आप कोई चीज़ सर्च करते हो वो भी क्या है, आईटी है। यूजिंग अ टैबलेट और मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, आप कोई भी किसी भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, वो सब क्या है, आईसीटी के अंतर्गत आता है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया कि आईसीटी होता क्या है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू ट्रांसमिट, स्टोर, क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज का सेट है जिसका यूज़ हम करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा, स्टोर करने के लिए, या फिर कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, आपको पीडीएफ क्रिएट करना है, कोई फाइल क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए अपना कोई भी फाइल किसी और को, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो थ्रू कॉल या थ्रू किसी भी चीज़ की हम कर सकते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है, आईसीटी का ही काम होता है। तो हमने देखा है आईसीटी होता क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हम देखेंगे इसका रोल्स और इंपॉर्टेंस, एक एक पॉइंट डीपली समझेंगे कि रोल या इंपॉर्टेंस आईसीटी के क्या है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब कि जो इंडियन की इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है उसमें आईसीटी क्या रोल प्ले करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है डायरेक्ट जॉब क्रिएशन। आईसीटी कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट जॉब क्रिएट कराती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं, आप दिल्ली या नोएडा में जाओगे तो मोस्टली आपको वही मिलेंगे जो आईटी टेक, जो आईटी कंपनीज हैं लाइक कॉल सेंटर्स हो गए। वो किस लिए हैं, क्योंकि जियो वाले कॉल सेंटर्स हैं, आइडिया कॉल सेंटर, जितनी भी आईसीटी कंपनीज हैं वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो उनको उनका जो फीडबैक है उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे कॉल सेंटर्स बना रखे हैं जिससे कि उनका जो फीडबैक उसको लिया जा सके। तो ये डायरेक्ट जॉब क्रिएटर है। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट जॉब क्रिएट होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं लाइक जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डिग्रीज नहीं है, उनको भी बेनिफिट होता है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ। आईसीटी कंपनी क्या करती है, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, ठीक है, अब लोगों के पास पैसा आ रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैक्स पे करती हैं, ठीक है, जो आईसीटी कंपनी से टैक्स भी पे करती हैं, क्योंकि सर्विस कर रही प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करने वालों को पे भी टैक्स लगता है, 12% का लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होता है, न्यू सर्विस इंडस्ट्रीज का इमरजेंस होता है, मतलब कि नए नए सर्विस सेक्टर सारे, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं आईसीटी की वजह से, ठीक है। लाइक ई कॉमर्स में देख लो, पहले जस्ट एक दो हुआ करते थे, लाइक इंडिया मार्ट था, अब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उसके बाद स्नैपडील, बहुत सारे टाइप्स के ई कॉमर्स साइट्स आ रही हैं जिससे कि कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो रहा है और जो सप्लायर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस इनोवेशन। इससे क्या होता है कि बिजनेस इनोवेट होता है, बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए इक्विपमेंट का यूज़ हो रहा है, नए नए क्रिएटिविटी का यूज़ हो रहा है बिजनेस में, तो इससे बिजनेस इनोवेट हो रहा है। अगला पॉइंट है सोशल बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी। जो आईसीटी है उसमें क्या है, सोशल बेनिफिट्स देता है, समाज को बेनिफिट्स मिल रहा है। अब बेनिफिट्स किस तरीके से, जैसे मान लो पहले हमें कोई सरकारी काम करना होता था तो हम क्या करते थे, सरकार के दफ्तर जाया करते थे, सरकार के ऑफिस जाया करते थे, लेकिन अब क्या है कि हम ऑनलाइन अपना जो भी सरकारी काम उसे करा सकते हैं। लाइक एग्जांपल ले लो, बैंक में कोई पैसा भेजना होता था किसी और के पास तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद स्लिप भरनी पड़ती थी, तब जाके बैंक में पैसा ट्रांसफर होता था। अब हम अपना लेन देन मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, किसकी देन है, आईसीटी की देन है। तो इससे क्या है, सोशल जो सामाजिक बेनिफिट्स हैं
वो भी कर रहा है कौन, आईसीटी। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग मार्केट प्लेस फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज से उन्होंने पढ़ा था कि ये क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं, जो कि ऐसे लोग जो खुद का बिजनेस खोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए क्या कर रहा है, मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा है। अभी कैसे कर रहा है कि आप जैसे मान लो कि आपके एरिया में जो कस्टमर्स हैं वही आपसे सामान खरीदेंगे तो आप इतने ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अब आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी आप मतलब शो कर सकते हो, जिससे कि लोग वहाँ से भी खरीद सकते हैं और आप उन तक पहुँचा सकते हो। तो इससे क्या हुआ, आईसीटी ने इनको मार्केट प्लेस दिया है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर कंट्री कहीं भी अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें, कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब स्कूल नहीं खुल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो जो आईसीटी है मतलब कि हमने ऑनलाइन स्टडी की थी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसकी देना है, आईसीटी की देना है, तो एजुकेशन पे भी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते क्लास, लाइक आप दिल्ली नहीं जा सकते या फिर आप किसी बड़ी सिटी में नहीं जा सकते जहाँ पे अच्छी कोचिंग है, आप उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब पे या किसी भी ऐसी एजुकेशन साइट पे जाके पढ़ सकते हैं, फ्रीली आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये क्या कर रहा है, एजुकेशन पे अच्छा इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर की बात करें तो आप ऑनलाइन जाकर अपना जो भी है मतलब लाइक डॉक्टर से भी मतलब रेफर कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन जैसे मेडिकेयर ऐसे क्या आप मेडिसिन मंगा सकते हैं, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या और उसको कहाँ पे दिखाना चाहिए, इसके और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो आप हेल्थ केयर में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, अब मैंने बोला था आपसे कि आपको कोई गवर्नमेंट की सर्विस चाहिए होती थी, हमें सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, तो अब ये सब छोड़ कर क्या हुआ कि गवर्नमेंट सर्विस किस पे आ गई, ऑनलाइन आ गई, डिजिटल आ गई, तो आप ऑनलाइन जाकर या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको ऑनलाइन चलाना नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन नहीं आता है कुछ भी करना, लाइक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर केयर्स होते हैं लाइक कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स होते हैं, उन पर जाके जिन्हें हम बोलते हैं सेवा केंद्र, तो सेवा केंद्र पे जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको भी बेनिफिट्स हो रहा है। अगला पॉइंट है आईसीटी हेल्प इन इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब ये कैसे करता है, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, मतलब उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उसको लोग यूज कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे। अब सिंपल है कि अब आईसीटी जैसे अमेजोन पे आपको रिव्यूज आते हैं कि प्रोडक्ट में क्या कमी थी या फिर आपने इसको सेंड किया तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने महीने चला है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको क्वालिटी चेंज करके दोबारा वो उस क्वालिटी पर वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है किसको, क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को, जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ती है और ज़्यादा जब डिमांड, जब क्वालिटी अच्छी होगी ज़्यादा डिमांड होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, तो आईसीटी इसमें भी हेल्प करता है। तो हमने देखा आईसीटी किन किन चीज़ों पर हेल्प करता है, हम देखेंगे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस्ड बाई आईसीटी सेक्टर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं जो आईसीटी सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें पहला है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या साइबर अटैक, मतलब कि जो साइबर अटैक्स हैं, जैसे आपका डाटा चोरी हो गया कोई भी चीज़, अब देखो ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन बहुत सारे हैकर्स हैं जो कंप्यूटर हैक कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन साइट्स हैक कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स करते हैं या फिर डाटा चोरी करते हैं, जिसे हम साइबर अटैक्स बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी पहली। दूसरा है टैलेंट शॉर्टेज, अब देखो आईसीटी जो कंपनी है उसमें कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, उनको स्कूल लाइफ में कंप्यूटर चलाने को नहीं दिया जाता, मतलब आप किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है, सिंपल से छोटे कॉलेज से पढ़कर आने वाला बच्चे को कंप्यूटर नहीं किया जाता प्रोवाइड, सब्जेक्ट होता है तो उसको सिर्फ रटवा दिया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, उसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, उसने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं होता है, उसको टाइपिंग भी उसकी अच्छी नहीं होती है, तो इसमें क्या है, टैलेंट शॉर्टेज, उनके पास टैलेंट नहीं होता है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है किसके लिए, आईसीटी सेक्टर के लिए, तो वहाँ पे वर्कफोर्स चाहिए या लेबर फोर्स चाहिए वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता, जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा की जा सके। तीसरा पॉइंट है अनस्किल्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो कैसे अनस्किल्ड, उनके अंदर स्किल नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कैसे करना है और इसको एक अच्छे सिग्निफिकेंट वे में कैसे यूज़ करना है आईसीटी सेक्टर को, तो इसमें भी क्या है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, लाइक अब आप कभी अमेजोन पे बात करते हो या किसी भी कस्टमर केयर पे बात करते हो, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि डिसअपॉइंट होना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ और चीज़ की बात कर रहे होते हो, वो कुछ और रिप्लाई करते हैं, मतलब उनके पास स्किल्स नहीं है कि कैसे डील्स करना है और उनको कैसे समझना है कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से क्या है कि अनस्किल्ड वर्कर्स की वजह से आईसीटीज को प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फोर्थ है स्किल्स गैप, सेम वही है कि जो
एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉयर चाहिए स्किल्ड जो कि आईसीटी सेक्टर में वर्क कर सकें, या फिर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें वर्क कर सकें, या फिर जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं उसको हैंडल कर सकें, लेकिन उनको ऐसा वर्क प्लेस या वर्क फोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं किसी को भी हायर कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग वो ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, फिर बाद में उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, इफिशियंट वर्क देख करके नहीं दे पाते, इसे हम बोलते हैं स्किल्स गैप। मतलब एम्प्लॉयर को चाहिए कुछ और एम्प्लॉयर्स में वो स्किल्स नहीं है, तो यहाँ पे स्किल गैप भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग करने में रिस्क है। अब ये क्यों है, क्योंकि आप जब दूसरी कंट्री के साथ आउटसोर्सिंग करोगे, दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करोगे, तो बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, हमारा डाटा उसको चोरी होना बहुत ही आसान पड़ जाता है जब हम किसी और कंट्री के साथ डील करते हैं, क्योंकि अगर हम इस नेटवर्क में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स, मतलब इस जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, उसमें आपको जैसे इंडिया का ही है तो आपको थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मिलता है, क्योंकि आपकी कंट्री में है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है हैकिंग की, लेकिन जब अपना डाटा बाहर भेजते हो, दूसरी कंट्रीज में भेजते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स होने की चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, रिस्क होता है आउटसोर्सिंग करने का, बाहर की कंट्री के साथ डील नहीं कर सकते, या बाहर के लोगों को आप अपनी इसमें सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा चोरी होने का रिस्क होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं, मोर कंपनीज आर ऑप्टिंग फॉर आउटसोर्सिंग ड्यू टू टैलेंट शॉर्टेज, मतलब टैलेंट शॉर्टेज की वजह से क्या कर रहे हैं लोग, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन और इससे क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन भी होता है जब आप बाहर के लोगों को बुलाओगे जहाँ पे लोगों को नीड है, जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका में जो वर्कर्स हैं, अगर आप अमेरिका का कोई लोगे तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते होंगे, आप इंडिया से बुलाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा लोगों को मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो आराम से पहुंच जाते हैं अमेरिका में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपका कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए या फिर टैलेंट शॉर्टेज की वजह से आप क्या करते हो, बाहर से लोगों को बुलाते हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से आप उस चीज़ पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट। अब देखो सिंपल है, आईसीटी सेक्टर, जैसे मान लो कि आप कोई सामान मंगाते हो ऑनलाइन जो आपको पेमेंट करना पड़ता है, अगर वही आप मार्केट में देखोगे तो उससे बढ़िया क्वालिटी और उससे चीप आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वाला ज़्यादा महंगा क्यों होता है, वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है, जैसे मान लो कि आपकी जो ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया है उसको रिसीव करने वाला कोई और होगा, ठीक है, पैकिंग वाले कोई और वर्कर्स लगे होंगे, फिर भेजने के लिए आपका डिलीवरी बॉय कोई और होगा, मतलब कि बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो भी खर्चा आता है वो आपके प्रोडक्ट पे ही निकालते हैं, उसमें डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं, तो आपको कॉस्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम बात करें होटल पे जाके खाओगे तो सस्ता पड़ जाता है, जोमेटो में जाके खाओगे, जोमेटो से मंगाओगे तो महंगा पड़ जाता है, चीज़ वही होगी, उससे बेहतर आपको होटल में मिल जाएगा सस्ते में, लेकिन आप जोमेटो से मंगाओगे आपको घर पर डिलीवर हो रहा है तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपकी आईसीटी सेक्टर की, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आईसीटी क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके रोल या इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने इसको एक एक करके अच्छे समझा। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैंने उनको डिस्कस कर लिया। एक और था गवर्नमेंट ने क्या किया आईसीटी के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें स्कीम्स दी गई हैं, वो क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं है, जो आ सकते थे मैंने डिस्कस कर लिए। ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, टेक केयर एंड थैंक यू।